अल्लाम जी वेलकम टू यूट्यूब चैनल वेलकम टू अमारा विथ लाइव यूट्यूब चैनल पे है न्यू तो मुझे कर लें सब्सक्राइब वीडियो को कर दे लाइक कमेंट शेयर डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल प्राइस सो गाइस कल बहुत प्यारे प्यारे से मैं कमेंट पढ़ रही थी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और थैंक यू सो मच टू ऑल आप लोग हमारा भी बहुत पसंद करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सो so गाइस इसमें से एक कमेंट था कि आप लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि मेरा जो बिहेव था वो बाबा के साथ थोड़ा सा इस तरह का था तो मैं वो इसलिए कर रही थी कि उनको सबसे पहले तो ये पता ना लगे कि हम लोग प्रैंक कर रहे हैं दूसरा नहीं था मेरी जहन ये था कि इन दोनों को ही ना पता चले कि मैं एक शूट कर रही हूँ एक ऐसा रिकॉर्ड शूट कर रही हूँ जिसमें इनको लगे कि ये रियल लाइफ चल रही है और दूसरे नंबर पर मेरे जो बिहेव है ना मेरे बाबा के साथ वो बचपन से ही एक फ्रेंकली माहौल सा है तो मैं अक्सर बा तो के साथ लाड़ पने में ऐसे हाँ ऐसे बोलती हूँ मैं तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप इसके बारे में फिर बात कर सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाउडली होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो फाइनली मैं सबसे घर में छोटी हूँ सो तो मेरा इतना तो बनता है जी यार बाबा यार अम्मी यार ऐसे मैं अम्मी से भी बात कर लिया करती थी तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको आप इसको बदतमीजी की तरफ ले कर जाएँ नहीं ये आप इसको पॉजिटिव की तरफ लीजिए मैं थैंक यू सो मच टू ऑल आप लोगों के मुझे कमेंट्स का बहुत अच्छा लगा और आज जो है हम लोग मैं और अमरीना अपने बारे में कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताएंगे वो बातें नहीं वो ये है कि हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा घर में कौन कौन से लफ्ज़ बोलते हैं लड़ाई में वो ये हैं जो हम आपको अब बताने लगे हैं जब मुझे गुस्सा चढ़ता है तो मैं अमरीना को क्या कहती हूँ और जब अमरीना को गुस्सा चढ़ता है तो वो मुझे गु़स्से में क्या क्या बोलती है अब हम आज इसने क्या किया मेरी तरफ करो असलकम हाय गाइज कैसे हैं कितने दिन हो गए मैंने वो नहीं किया हेलो गाइज तो मैं करती होती हूँ ना तो वो मैंने नहीं किया तो आज ना इसने इतनी अजीबर कद की है बाजार में आपको पता है वहाँ पे बैठ पे गई मुझे चीज लेके दो बच्चों की तरह सो गाइस आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी मैं डॉक्टर पे गई और मैंने कुछ खाया भी नहीं हुआ था तो मैंने अपना बीपी चेक करवाया तो वो कहते हैं आपकी तो एज इतनी नहीं है एक मिनट मिनठ कहते हैं आपकी एज इतनी नहीं है तो आपका बीपी इतना हाई हुआ है आपको तो गोली नहीं। भी नहीं लग सकती अभी दवाई भी नहीं मतलब बीपी की गोली होती है ना बी पी की दवाई होती है वो टेबलेट वो भी नहीं अभी आपको हम दे सकते हैं क्योंकि आपकी एज इतनी नहीं है So, तो मुझे बहुत इस चीज़ में ना मतलब दुख हुआ मुझे कि यार कि मुझे मुझे ना गाइस गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है मतलब मैं चिड़चिड़ी रहती हूँ ज़्यादातर मैं आप सबसे ये बात भी शेयर करना चाह रही थी अपनी कि मैं ना ज़्यादातर चिड़चिड़ी रहती हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं ज़्यादातर मरीना के साथ ना लड़ती हूँ और लड़ाई लड़ाई में ना मेरे से मरीना से हो जाती है बदतमीजी वो मुझसे भरी है हाँ मैं मानती हूँ लेकिन मुझसे ना थोड़ी सी बदतमीजी हो जाती है उसके साथ मैं नहीं जानती लेकिन मेरा माइंड मुझसे कड़वाता है मैं खुद नहीं करती हूँ वो खुद ही मेरा माइंड जाना मुझसे कड़वाता है शायद ये ना काम का बर्डन है मेरे सर पे बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है इस वजह से शायद मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है कि मुझसे एक छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती तो इन इस जो दर्द का और इस जो बी पी आई का जो इलाज है ना वो इन बहुत जल्द करवाएंगे और अगर आपको किसी ऐसे दिमाग के डॉक्टर का पता है सो so गाइज़ आप लोग प्लीज़ मुझे किसी लाहौर में कोई हो कोई डॉक्टर दिमाग का तो आप लोग लाजमी बताइएगा क्योंकि मेरी अभी नहीं है कि मेरा इतना बीपी हाई हो तो मेरे लिए मसले की बात है मुझे डॉक्टर ने कहा है आपको अपना बीपी कंट्रोल करना पड़ेगा बड़ी गाइस इसके ना उधर अपनी तरफ करो जरा मेरे इधर से दर्द स्टार्ट होती है और ऐसे जाती है ऐसे करके हाँ। और ऐसे पीछे तक ऐसे मुझे ये दर्द होती है और अभी भी मुझे हो रही है मैं आपको बता दूँ दवाई तो लेकर आए थे डॉक्टर ने कहा इनका बीपी कंट्रोल करवाएं इनको नमक नहीं देना नमक मैं खाती नहीं हूँ गाइस इतना नमक है ही नहीं गुस्सा है अंदर का स्ट्रेस बंदे को जो के वो यही है नमक नहीं है इसका हल अब डॉक्टर को क्या बताओगे मुझे गुस्सा आता है कि नहीं आता ये तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं हां <laughs> हां तो... बताओ

मुझे मैं इसकी दो बातें बताऊंगी आपको जो मुझे मतलब बुरी लगती है जो ये करती है जो कि इसको कंट्रोल करना चाहिए और फिर जब मैंने देखा ना कि डॉक्टर ने इसको ऐसे कहा मैंने इसे खुद कहा वहां पे बैठ के मैंने कहा तुम तो गुस्सा निकाल लिया करो तो अपने अंदर मत रख मुझे कहती है तुम मेरे साथ बदतमीजी करती हो तो मेरी दिलजारी करती हो अल्लाह तुम्हें गुना देगा अल्लाह तुम्हें सजा देगा गुस्से में ना ये मुझे ऐसे कहती है तो मैं कहती हूँ आहो आहो ठीक है दे 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 मुझे गुस्सा ऊपर से चढ़ाता ऊपर से ना मुझे फिड़ किया ऐसे मुझे खुद ही कह रही थी तू कर लिया कर आज इसने मुझे बताया कि मैं अपने गुस्सा दिल में रखती हूँ कुछ भी खाया नहीं हुआ था हम लोग सो के लेट उठे तो डॉक्टर जो है ना वो जाने वाला था हमने कहा पहले दवाई ले आते हैं उसके बाद हम वापस आके नाश्ता वगैरह कर लेंगे तो जब डॉक्टर ने बीपी चेक किया था बीपी मैडम का हाई और कुछ खाया पिया भी नहीं हुआ था बीपी हाई फिर हम वहाँ पे खाना खाने बैठे ना तो इस, इसने मुझे बताया कि मैं जो है ना गुस्सा कंट्रोल करती रहती हूँ मैं अपने अंदर रखती हूँ तो फिर वो बी पी हाई मेरा हो जाता है फिर मैंने इसको कहा काट लिया कर गुस्सा तो मेरे उत्ते <laughs> मैंने इसको कहा नहीं मैं दिल अजारी नहीं करना चाहती मैं अपना मरना हराम नहीं करना चाहती अपने रिश्तेदारों की तरह मैंने इसको कहा देखो आज मैं किसी की दिलजारी करूंगी कल को मेरा मरना हराम हो जाएगा क्यों ना मैं अपने ही अंदर रख के तो इसको खुद ही मर जाऊं तो बेहतरीन नहीं इसकी सोच कितनी अच्छी है गाइस यार देखो अगर मैं आज बात की मैं इतनी हैरान होगी कहती मैं अपने अंदर ही कुरती हूँ अपने अंदर ही कुरती रहती हूँ तुम्हारी या किसी और की दिल आजारी करके मुझे सुकून ऐसा नहीं चाहिए कि जो बाद में ना मेरा मरना हराम कर दे हाँ इससे अच्छा बंदा ना खुद अपने अंदर ही रख के अपने अंदर का गुस्सा ही मर जाए अपने अंदर ही फट जाए क्यों हम किसी को यार किसी के कि हम हमारा हक ही नहीं बनता कि हम किसी की दिलजारी करें हम सबको अल्लाह ने भेजा है अगर मेरे शक्ल पे कुछ ऐसा है मेरा या बड़ा नाक या मेरे कोई चेहरे पे इस तरह का अल्लाह ने कोई नुक्स रखा है या मेरे अंदर कोई नुक्स है तो मैं गरीब हूँ या मैं जो भी हूँ मेरा किसी को भी किसी को भी ये हक नहीं बनता कि मुझे आके कोई कुछ कहे मेरे मुंह पे किसी का भी नहीं बनता ना मेरा बनता है मैं अब किसी दूसरे तीसरे बंदे को जाकर ये नहीं कह सकती कि भाई तू ऐसा है क्यों क्यों कहूँ जी मैं, मैं इसको अल्लाह ने बनाया है hmm. हम अल्लाह की चीज़ों को बुरा कह रहे हैं तो फिर हम लोग इंसान ही नहीं है फिर हमारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है इससे अच्छा बंदा खामोशी से अपने आप को समझा ले अंदर ही अंदर अगर समझाया जाता है तो समझा लो नहीं समझाया जा रहा तो आपकी मर्जी तो फिर अपने आप को देख ले जो करना आपने। अपने आप आपको अपनी ही जिंदगी खराब होगी जैसे कि तुमने कहा तो बस मुझे पहले बुरा लगता था जब आज इसने मुझे बताया ना मैं गुस्सा पीती हूं, तो फिर मैंने भी मुझे दुखा इसके ऊपर हम लोग बताने वाले थे अपनी अपनी बुराई <laughs> बुराई यही है कि बस बुराई कोई भी नहीं है मैं... नहीं मतलब हम लोग गुस्से में एक दूसरे को कह के क्या क्या, क्या हंसते हैं मतलब हमारा हादसा निकल जाता है हमारा ایک دوسرے کو کہہ تو دیتے ہیں گالیاں تو ہم بہت نکالتے ہیں ایک دوسرے کو مطلب پیار پیار میں ہماری دوستی ہے ایسی کہ ایک دوسرے کو اپنی 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 گالیاں دے کے ماں بہن دی چلنیو چلنی ہے ایسے کر لیتے ہیں بس ایسے بڑی مہارانی ہے ہا اڈی تو کیتے رہندی نہیں چل نکل چل نکل اڈی تو کیتے رہندی نہیں اس طرح کی بات کبھی میں اس کو کہہ دیتے تو تو میرے لیول دا آدمی ہے छोड़ा हाँ आ, ये पता मुझे कहती है ए, मैं मैं गुस्से में होती मैं टेंशन ना ला मैं अपने अंदर में अग लगी है मैं कह <laughs> ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਂਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਏ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਸਭ ਠੀਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚੋਗਸਾ ਚੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ

ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰੀਕ ਜੁੱਟ ਵੀ ਚੰਦੀ ਆ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਤਾਖੇ ਜੇ ਤਾਖਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੰਨੀ ਬੋ ਆਂਦੀ ਜਿਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਖੇ ਚ ਬੋ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਖ ਚ ਬੋ ਕੰਦੇ ਕੰਦੇ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਤੱਕਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਬਤਾਉ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇ ਨਾ ਮਰਦੋਂ ਮੇਸੇ ਬੜਾ ਹਮਾਰਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਐ ਹੋਣਾ ਤੇਗੀ ਆ ਐਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਲਲ ਚ ਲਲ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਐ ਗੱਲ ਚ ਲਾ ਮਤਲਬ ਹੱਤ ਤੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਟੇਪਗਾਰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਬਨ ਫਾੜਦੀ ਐ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਤ ਤੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲੱਗੀ ਐ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਐਡਾ ਰੋਗ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਫ੍ਰੈਂਕ ਪੰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਵੇ ਚਹਦ ਨਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਅਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੱਕ ਹੈ ਵਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਘਾਲ ਰਹੀ ਏ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਅੱਛਾ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮuje ਕਹਿ ਪਾੜੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੀ ਬੜਹਾਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਸੂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ परेशान <laughs> <बालू। मैं> <laughs> <है, बालू। laughs> तो ना, ना हो सब ठीक है एक दूसरी गलू पता के बुरी लगती है सब तो ज्यादा बाहर जब हम कोई सौदा लेने जाते है तो मैं लेती हूँ आ गई भालू बन के खलोइएगी

ਅਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਐਸਾ ਹੋਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਬਜੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਸੇ ਕਾ ਤੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਪਕੜੋ ਤੋ ਉੱਥੇ ਭਾਲੂ ਆਂਗ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਲੂ ਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਘਰ ਆਣਾ ਸੀ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕੜਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜਾ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਗਾਇਸ ਰਕਸ਼ਾ ਕੜਵਾਏਗੀ ਨਾ ਔਰਤ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਆਨੇ ਕੜਵਾਉਣਾ ਉਹ ਕੰਦਨ ਸੀ ਅੰਨੇ ਇਖੜ ਆ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਲੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ ਨਾ ਸਾ ਫਾੜ ਲਵੇ। oğla ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾਗੇ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੀ ਭਾਈ ਦੇਖੇ ਗਾਇਸ ਹਮ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਹੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਕਰ ਖਿਸ਼ਾੜਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਛਾ ਬਾਜੀ ਠੀਕ ਆ ਆਇਓ ਬਾਈਓ

ब्लॉक को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं किसी अगले न्यू ब्लॉग में इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज